नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। आज की क्लास रहेगी हमारी फॉर किड्स, योगा फॉर किड्स। सो किड्स में आते हैं आपके लगभग पांच, चार या पांच साल की उम्र के बच्चे, बच्चों से लेके 11, 10, 11, 12 साल तक के बच्चों के लिए। तो जैसे कि आजकल समर हॉलीडेज चल रही है, वेकेशंस हैं, बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, पेरेंट्स कभी कभी बाहर ले जाते हैं वेकेशन पे, उनको हॉलीडेज हो जाती हैं, बट डेली बेसिस पे उनके लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती करने के लिए, या कोई वो एक्टिविटी ज्वाइन भी करते हैं तो मतलब उसको पेरेंट्स चाहते हैं कि वो और अपनी स्किल्स को डेवलप करे, अपनी बॉडी पे ध्यान दे, हेल्दी रहे, साथ ही साथ वो फिजिकली भी एक्टिव रहे। अगर वो कोई क्लास भी जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्ट क्लास, तो वहाँ पे भी जाके वो बस सिटिंग ही उनका काम रहता है कि बैठ कर ही वो पेंट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती। जैसे वो जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती है, गेम्स पीरियड होते हैं, स्पोर्ट्स खिलाते हैं, वो स्कूल में अप एंड डाउन करते हैं, तो उसी में बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है बच्चों की, जिससे वो रात को अच्छे से सोते हैं और उनको खुल के भूख लगती है। तो अगर हम कुछ बात करें फिजिकल एक्टिविटी उनकी डेली प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में लाने की, तो योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो हम आज की क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होगी योग से रिलेटेड कि बच्चे उसको आराम से कर पाएंगे एंड उनको योग करवाना, योग के लिए प्रेरित करना बहुत इजी होगा। तो इसके लिए हमने अपनी क्लास को चार भाग में बांटा है। पहला जो पार्ट है दैट इज अ प्रॉप योगा। तो इसके लिए आप अपने पास एक बॉल रख लीजिए, अपने बच्चे को करवाने के लिए योगा का अभ्यास एक बॉल आप रख लीजिए एज अ प्रॉप। सेकंड होगा हमारा थीम योगा पोजेस। हम 5 से 6 ऐसी थीम चूज, हमारी जो मेन थीम रहेगी आज की वो रहेगी आवर एनवायरनमेंट, और उसके एनवायरनमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको बेस बना के योगा पोजेस करेंगे। थर्ड इज ब्रेथ वर्क। तो हम ब्रेथ को भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करेंगे कि ताकि बच्चे उसको आराम से फॉलो कर पाए, जिसको हम कहेंगे बर्ड ब्रेथ। तो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ एलिमेंट इज हमारा मेडिटेशन, या हमारा एक तरीके का ग्रैटिट्यूड शो करना, बच्चों के अंदर ये फीलिंग लेकर आना कि टू फील ग्रैटिट्यूड, टू फील हैप्पी, थैंकफुल टुवर्ड्स व्हाट वी हैव अराउंड अस। एंड उसी के साथ साथ जो हम जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे, जितने भी पार्ट्स में, वो सारी की सारी हमें हमारे बच्चों के लिए हेल्प करेंगे उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, क्रिएटिविटी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, उनकी बॉडी में जो भी अभी ग्रोइंग स्टेज हो रही है, उनकी ग्रोथ, हाइट, इन सबको बिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग उनकी सोशल स्किल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत शाई होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, पर जब वो एक ग्रुप में, अगर आप हो सकते हो ग्रुप योगा क्लास बच्चों की करवा सकते हैं, आप एक ग्रुप में बच्चे जब योगा करते हैं तो आपस में वो बहुत सीखते हैं और सोशलाइज होते हैं, जिससे उनकी सोशल स्किल्स भी बढ़ती है। तो ओवरऑल मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ग्रोथ के लिए ये योगा क्लास फॉर योर किड्स इज वेरी स्पेशल एंड इज वेरी बेनिफिशियल। So, make your kids come in the comfortable clothes and I'll meet them on their mats. तो हमारे सबसे पहले पार्ट के लिए हमने जो चूज करी है दैट इज अ बॉल। तो हम बॉल से करेंगे अपनी योगा क्लास की अभ्यास की शुरुआत। तो सबसे पहले आप अपनी मैट्स पे थोड़ा सा अपने पैरों में डिस्टेंस लाके अपनी बॉल को आप सामने की ओर ले आइए, सामने की तरफ लाएंगे और यहीं से अपनी बॉल को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फिर सामने लेकर आएंगे, फिर ऊपर, सामने की ओर, इन फ्रंट एंड अबव, इन फ्रंट एंड टुवर्ड्स द स्काई। आप देख भी सकते हैं अपनी बॉल को, सामने की ओर, ऊपर की ओर, सामने एंड ऊपर। करेंगे 5 more times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। रिलैक्स, नीचे ले आएंगे। अब करेंगे लेफ्ट हैंड से अपनी राइट हैंड को बॉल देंगे एंड देन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को बॉल देंगे। ये कंप्लीट आपको
एक साइड से दूसरी साइड लेकर आना है सेंटर में, फिर दूसरे हाथ को देना है, फिर दूसरी साइड करेंगे 10 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last time and 10. Very good. अब अपनी बॉल को बिना इधर उधर ले जाए हम एक ही जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाएंगे. 1, 2, 1, 2, 1 and 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Very good. In the center again. अब अपनी बॉल को इस तरीके से कैच करेंगे. ध्यान रखेंगे बॉल गिरनी चाहिए 20 times. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. अब आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने स्ट्रेट रख के ही कैच नहीं करा, हल्का हल्का सा अपनी बॉडी को स्विंग करते हुए, ताकि हमें बॉल पकड़ने में ज्यादा ध्यान लगाना पड़े और हमारा फोकस इंक्रीज हो. तो इसका ध्यान रखेंगे कि बॉल को हम स्विंग करते हुए ही पकड़ेंगे, एक ही तरफ नहीं पकड़ना, नहीं तो चीटिंग होगी वो. चलिए करते हैं अपना अगला अभ्यास. अब हमें अपने बॉल को ऐसे सर्कल क्लॉक बनाते हुए लेके जाना है, जैसे क्लॉक की हैंड्स होते हैं इस तरीके से. तो क्लॉक मूव करती है, तो धीरे धीरे हम इस तरीके से अपनी क्लॉक को मूव करेंगे और अपनी क्लॉक को पूरा करेंगे. एक कंप्लीट राउंड सर्कल आपको बनाना है क्लॉक की तरह सोचते हुए, जैसे क्लॉक मूव करती है अपने हैंड्स को उस तरीके से. बहुत अच्छे से ये आपकी मोटर स्किल्स को, कॉग्निटिव स्किल्स को बच्चों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास. इसी तरीके से करते रहेंगे कंप्लीट क्लॉक की पोजीशन में. एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं ये अभी. अब करते हैं क्लॉक पोजीशन में कि क्लॉक चल रही है. एक बार एंटी क्लॉकवाइज करें और एक बार क्लॉकवाइज करें. करेंगे इसी को 2 more rounds. अपनी बॉल को आप बीच में प्लेस कर दीजिए. आपकी बॉल इस तरीके से बीच में प्लेस हो गई. अब हमें 1 1 time करके इसको टैप करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब करेंगे ऑल्टरनेटिव टचिंग. हम इस साइड जाएंगे, अपनी बॉल को स्ट्रेट रहने देंगे और अपने लेग्स के अक्रॉस टच करेंगे बॉल को. इस बार ही कोशिश करनी है बॉल को टच नहीं करना है. तो 1, 2 बॉल के साइड में टैप करेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगेन 10 rounds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स. अब अपने हम दोनों हैंड्स को मिला लेंगे और अपनी बॉल को उसी बीच में ऐसे प्लेस करेंगे. हथेलियों को एक साथ मिला लेंगे, जोड़ लेंगे और इस तरीके से अपनी बॉल को आगे पीछे हम लेकर जाएंगे. बैलेंस करेंगे, बॉल गिरनी नहीं चाहिए अभी भी. ध्यान रखेंगे इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी. आप देखेंगे इससे आपके एल्बो जॉइंट्स मूव हो रहे हैं.
एंड टू मोर टाइम्स, वन टू एंड रिलैक्स। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है हमारा थीम योगा। तो जो हमने आज का थीम डिसाइड करा है वो करा है आवर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो जो चीजें होती है हमारे आसपास, हम उसी को रेप्लिकेट करके योग आसन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि जो हमारा एलिमेंट है ट्री, तो हम करेंगे वृक्ष आसन। फिर आता है हमारा एलिमेंट स्टार, तो स्टार में हम अपनी आर्म्स एंड लेग्स को वाइड अपार्ट करेंगे स्टार की पोजीशन में। थर्ड आता है हमारा अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ में हम अपनी अर्थ को पादहस्त आसन के दौरान और हस्तोत्तान आसन के दौरान हम करेंगे। फोर्थ आता है हमारा सन, तो हम सन को सैल्यूट करते हुए हम हस्तोत्तान करेंगे। फिफ्थ एलिमेंट इज आवर माउंटेन, तो हम बनेंगे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माउंटेन पोज में, जिसको हम कहते हैं पर्वत आसन भी। तो हम इसी आसनों को हम एनवायरनमेंट से कनेक्ट करके बच्चों को इजीली हम बताएंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम अपना फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज ट्री पोज। तो ट्री के लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों को धीरे धीरे से अपने दूसरे पैर के साइड में चिपका लेना है, जिनसे इतना हो पाए इतना करेंगे, नहीं तो इस तरीके से अभ्यास करने का कोशिश करनी है। होल्ड करेंगे इधर ही, और हो सकता है आप शेक करें, बैलेंस नहीं कर पाए तो आराम से आप अपने एक पैर को इस पैर के साइड में भी रख सकते हैं, और इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर से जॉइन कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके हाथ बन गए हैं आपकी लीव्स, और आपके जो पैर है वो है आपका स्ट्रॉन्ग ट्रंक। तो आप क्या बन गए, आप बन गए ट्री, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, खुशबू देते हैं, फूलों से ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें छांव देते हैं, बारिश धूप बरसात सबसे बचाते हैं हमें, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो बहुत अच्छे से ट्री बनेंगे। वेरी गुड, स्टे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स विद अ स्माइल ऑन योर फेस, फील हैप्पी, फील जॉयस, यू आर डूइंग योगा व्हाइल कनेक्टिंग योरसेल्फ टू नेचर। एंड रिलीज, रिलैक्स करेंगे अब यही अभ्यास। दूसरी तरफ हल्के से पैर को इस तरीके से लेकर आएंगे, और अपने हाथों को एक बिग ग्रीन लीफ में कन्वर्ट कर देंगे। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली लाइक अ बिग ट्री। इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स, वेरी गुड। बहुत अच्छी ट्री बनने के बाद अब हम बनते हैं स्टार। तो स्टार के लिए बहुत इजी पोजीशन है, आपको अपने पैरों को बस सामने की तरफ खोलना है और अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। पर कोशिश हम ये करेंगे कि हमारे दोनों हाथ इस तरीके से स्ट्रेच हो कि कोई हमें इधर से खींच रहा हो तो कोई हमें इधर से खींच रहा हो, और इसी तरीके से हम ब्लिंक हो रहे हो। ऐसे स्टार ब्लिंक करते हैं, तो हम ऐसे सोचेंगे कि स्टार ऐसे ही ब्लिंक करते होंगे, ट्विंकल करते होंगे, इनहेल एक्सहेल करते हुए अच्छे से इनहेल एक्सहेल करेंगे, एक साइड देन ऑन द अदर, वन साइड देन ऑन द अदर, हल्का सा मूव करेंगे। साथ में आप ट्विंकल भी कर सकते हैं अपने हैंड्स को, क्योंकि छोटे छोटे तारे तो आपकी हैंड में ही है, ये आपका एक तारा बन गया और इसको हम ट्विंकल करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ट्विंकल भी कर सकते हैं, टिल्ट करके भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तारे की तरह फील करके आसमान में सोचते हुए कि चंदा मामा के साथ तारे भी आ गए। तो करेंगे यही अभ्यास तारे की तरह, एंड रिलैक्स। गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज आवर अर्थ एलिमेंट। तो हम अपने अर्थ एलिमेंट के लिए अपने दोनों पैरों को सामने से जोड़ लेंगे, मिला लेंगे एक साथ, सांसों को सामान्य करेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, हल्का सा माइक्रो मूवमेंट हमारे हैंड्स में। अब हम सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे और अपने
अर्थ को टच करेंगे, धरती माँ को, आपकी गर्दन नीचे की ओर, सांस सामान्य नीचे की ओर इस प्रकार से नहीं झुकेगी, आपकी गर्दन इंगेज रहेगी, गर्दन को झुकाना नहीं है, बस अर्थ को टच करके फील करना है कि हमारी अर्थ हमें कितना फर्टाइल क्रॉप्स देती है, हमारी अर्थ में कितने सारे जीव हैं, जंतु हैं जो रहते हैं, उनका घर है, ये पेड़ों की रूट्स को सपोर्ट करती है, पेड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करती है रहने के लिए, हम धरती माँ भी, जिसे पृथ्वी भी कहते हैं, उस धरती माँ को हम छूते हुए, उसकी रक्षा करने की कसम खाते हुए कि हम कभी भी डिफॉरेस्टेशन या पेड़ों को नहीं काटेंगे, नए पेड़ों को उगाएंगे और हम अपनी धरती का की फर्टिलिटी का ध्यान रखेंगे, उपजाऊ बनाएंगे और इससे जितने भी फल सब्जियां मिलती हैं हमें, हम उसको खाकर हेल्दी बनेंगे। यही सोचते हुए जेंटली ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स, यहीं से अपने आकाश को भी, अपने सूरज सन को भी, जो हमें इतनी लाइट देता है, सनलाइट देता है, हमारी बॉडी में विटामिन डी को मेंटेन करता है, कैल्शियम को मेंटेन करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें हेल्दी बनाता है, और सन के थ्रू ही पूरी जो सृष्टि है वो चल रही है, पेड़ों पौधों को खाना मिलता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो कितनी सारी चीजें होती है हमारी नेचर में जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलती है और हम इसके बारे में सोचते ही नहीं, हमें लगता है सन तो रोज उगता है, सन तो वहीं पर है, पेड़ तो लगे हुए, हमें क्या फायदा, पर इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो और नेचर की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो इसी के साथ सन को सैल्यूट करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, और इस प्रकार हम दोनों हाथों को जोड़ते हुए सन को सैल्यूट करेंगे, हल्का सा पीछे की तरफ, दोनों पैरों में आप थोड़ा गैप कर लीजिए, हल्का सा पीछे की तरफ झुकने का अभ्यास करेंगे एंड वापस फिर से इनहेल करते हुए थोड़ा सा पीछे एंड वापस, अगर आप कहीं बाहर योगा कर रहे हैं तो आपके ऊपर सनलाइट आ रही है तो उसको फील कीजिए, अपने ऊपर फील कीजिए, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही है, आपकी बॉडी में इतना एसेंशियल विटामिन जो है विटामिन डी वो मिल रहा है, जो हमारा मेलेनिन है, स्किन कलर जिससे मिलता है वो हमारा अच्छा हो रहा है, बाकी पेड़ पौधों को खाना बनाने को मिल रहा है अच्छे से। कुछ टाइम हस्तोत्तान के दौरान हम सूर्य देव को हम नमन करेंगे, सन सैल्यूट एंड रिलैक्स रिलीज। इसके साथ साथ हम आते हैं अपने अंतिम फिफ्थ एलिमेंट पे, दैट इज द माउंटेन पोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग अभ्यास है, इसके लिए आप अपनी मैट पे बैठ जाइए, अपनी मैट पे इस तरीके से आप जब बैठे हुए होंगे अर्थ बैठक में, तो आप अपने हाथों को दोनों को सामने की ओर लेकर आइए, शोल्डर जितना लेंथ का डिस्टेंस रहेगा, अपने पैरों को आप पीछे से घुटनों से पुश करते हुए उठाइए एंड आपकी पोजीशन इस तरीके से माउंटेन बनती हुई, देखिए कि आपके पैर से हाथ तक माउंटेन बन रहा है, महसूस कीजिए माउंटेन को, बॉडी को आपको ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कितनी अच्छी पोजीशन है आपकी, आप अपने दोस्तों के साथ भी देख सकते हैं, कर सकते हैं कंपीट कि कौन कैसा कर रहा है और कौन कितना बड़ा पर्वत बना। आप अपने पैरों को ऐसे टोज में लाके हल्का सा ऊपर पुश करके और भी अच्छे पर्वत बन सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई उससे फाइट नहीं करता, कोई उससे फालतू पंगे नहीं लेता, नहीं तो वो ढिशुम ढिशुम। तो इसी तरीके से पर्वत बने बने
कुछ देर रहेंगे, होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1, धीरे से घुटने नीचे। और अब एक एक्स्ट्रा हम कॉम्प्लीमेंट्री अभ्यास कर लेंगे जो कि है शीर्षक आसन या रैबिट पोज। तो रैबिट पोज में हम कुछ देर आराम करेंगे। चलिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लाते हुए हम सांसों को सामान्य करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल इन रैबिट पोज। सांस भरते हुए वापस से ऊपर मैट्स पे बैठने के बाद हम करेंगे ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग ब्रेथ वर्क अपना जो हमारा थर्ड पार्ट है हम उस पे आएंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे बर्ड ब्रेथ। अब चिड़िया की तरह हम सोचेंगे कि हमारे ये फेदर्स हैं और हम चिड़िया हैं और हमें सांस लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने विंग्स को फैलाते हुए सांस भरेंगे और विंग्स को बंद करते हुए सांस छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल स्प्रेड योर विंग्स ब्यूटिफुली एंड वाइल एक्सहेलिंग क्लोज योर विंग्स। इनहेल एंड एक्सहेल, आईज बंद करके फील करेंगे कि हम आकाश में उड़ रहे हैं और हम बर्ड ब्रीदिंग कर रहे हैं, बर्ड की तरह सांसें भर रहे हैं। अगर आपके साथ और भी आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आप उनके को भी अच्छे से बर्ड्स की तरह देखिए कि आप एक फ्लॉक में उड़ रहे हैं साथ में और आप सांसें भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। करेंगे 5 more times, 5 4 3 2 1, रिलैक्स अपने नॉर्मल करेंगे सांसें। पहले हमें चिड़िया की तरह बहुत तेज तेज सांसें भरी, अब हम नॉर्मली बैक टू ह्यूमंस की तरह हल्की हल्की सी सांसें भरेंगे, नॉर्मल प्यार से कोमलता से छोटे छोटे बच्चों की भांति। इनहेल एंड एक्सहेल। आप अपने दिल पे हाथ रख के अपनी हार्ट बीट को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितनी तेज है इस समय, धक 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 हो रही है। तो इसको हम नॉर्मल करेंगे। सांसों को कुछ देर नॉर्मल करने के बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट फाइनल उस पर आएंगे जो कि है हमारा ग्रैटिट्यूड सेक्शन। तो उसके लिए अगर आपके पास कोई भी स्टोन है या आपके पास बॉल ही है तो आप उसको अपने हाथ में रख लीजिए। तो एक ग्रैटिट्यूड स्टोन, कोई भी एक नॉर्मल पत्थर स्टोन हो सकता है, इसको पकड़ के हम भगवान जी को याद करेंगे। वी विल से थैंक यू टू गॉड एंड स्पीक वन थिंग दैट वी आर ग्रेटफुल फॉर, वी आर थैंकफुल फॉर। हम एक ऐसी चीज बोलेंगे, बताएंगे कि जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हम बहुत खुश हैं और वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है भगवान जी के द्वारा। तो अगर आप एक
सर्कल में बैठे हैं जहाँ पे बच्चे हैं, या दो बच्चे तीन बच्चे भी हैं, एक बच्चा भी है, तो उसको हाथ में कुछ ऐसे स्टोन रख के वो पास कर सकते हैं दूसरे बच्चे की ओर जब वो ग्रेटिट्यूड थैंक कर रहा हो। तो अपने हाथ में रख के हम एक चीज बताएंगे जो हमें बहुत हम खुश फील करते हैं, तो मैं भगवान को शुक्रिया करते हुए ये कहूंगी कि मैं मुझे एक स्वस्थ बॉडी दी, मुझे एक्टिव शरीर दिया जिससे मैं योग करती हूँ, और उससे भी अच्छा कि मैं औरों को भी योग सिखाती हूँ, उनको प्रेरित करती हूँ योग करने के लिए, उनकी बॉडी को मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्य करना, और मैं भगवान को इस चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए निमित्त बनाया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। आई एम ग्रेटफुल फॉर माय पेरेंट्स, फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर एवरीथिंग आई हैव। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। अपनी एक ग्रेटफुल चीज बताने के बाद पास द स्टोन टू द नेक्स्ट पर्सन टू टेल व्हाट ही और शी इज ग्रेटफुल फॉर। तो इसी के साथ आज की हमारी किड्स योगा फॉर किड्स की क्लास एंड होती है। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को लेके हुए, डिफरेंट प्रॉप्स को लेते हुए, डिफरेंट ग्रैटिट्यूड थिंग को लेते हुए, आप ब्रीदिंग डिफरेंट लेते हुए सारी चीजें आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे, और अपने हॉलीडेज को वेस्ट ना जाने दीजिए, अपने बच्चों की हॉलीडेज को वेस्ट ना जाने दीजिए। रेगुलर उनको योगाभ्यास करवाइए और सारी उसके योग के लाभ उनको दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। आशा है आपको और आपके बच्चों को इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अब इसी के साथ करते हैं अंत योग कक्षा का। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार जुड़ने के लिए।